सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान, खबरां दे ब्रिटेन थोड़ा स्वागत। खबरां दे ब्रिटेन दे स्पॉन्सर रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा, रियल एस्टेट दी दुनिया च मन्या परमन्या नाम। पेश ने पहला चुड़वियां खबरां। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा वालों विसाखी मौके 14 अप्रैल नूं राष्ट्रीय सिख दिहाड़े वजो मनाउण लई मता पेश। चीन का मुकाबला करने लई बाइडन ने भारत प्रशांत खेतर की नीति लई 1.8 मिलियन डॉलर का रख्या प्रस्ताव। अमेरिका है इंडो पैसिफिक का माण मत्ता मैंबर कमला हैरिस। अमेरिका ने रूस में रहिंदे अपने नागरिकां नूं दित्ती वड्डी चेतावनी, रूस कर सकता है एक्शन। रूस गलबात तों बाद होया नरम, लड़ाई खत्म होण दी बनी संभावना। यूक्रेन विच रूस दे हवाई हमले विच 12 लोकां दी मौत ते दर्जना जख्मी। FDA ने 50 साल तो वधेरी उम्र दे लोकां लई फाइजर ते मॉडर्ना दी बूस्टर खुराक नूं दित्ती मंजूरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा वालों सिखां दे पवित्र दिहाड़े विसाखी मौके 14 अप्रैल नूं राष्ट्रीय सिख दिवस वजो मान्यता दिवाउण लई मता पेश कीता गया है, जिस नाल हर साल अमेरिका भर विच इह दिन सिख कौम लई समर्पित होवेगा। इस संबंधी मता मुख तौर ते कांग्रेस वूमैन मैरिस कैलन ने पेश कीता, जदकि अमेरिकन सिख कॉक्स कमेटी दे को चेयर कांग्रेसमैन जॉन गैरामंडी अते कांग्रेसमैन डेविड वालडाउ ने हमायत कीती। इन्हां तों इलावा कांग्रेस वूमैन वॉस, कांग्रेसमैन टोंको, कांग्रेसमैन फिट्ज़पैट्रिक, कांग्रेसमैन म्यूजर, कांग्रेसमैन स्वालवेल, कांग्रेसमैन कृष्णमूर्ति, कांग्रेसमैन नॉर्क्रॉस, कांग्रेसमैन केम, कांग्रेसमैन नील, कांग्रेसमैन ब्रैंडन बोयल भी मता पेश करन वालियां विच शामिल सन। सिख भाईचारे विच मता पेश होण नाल खुशी दी लहर दौड़ गई है। अमेरिकन सिख कॉक्स कमेटी दे आगू डॉक्टर प्रितपाल सिंह अते सरदार हरप्रीत सिंह संधू ने पंजाब मेल नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि इस मते दे पेश होण नाल अमेरिका विच सिख कौम दी पछाण बणन विच सहायता मिलेगी। सिख कोआर्डीनेशन कमेटी दे सरदार हिम्मत सिंह, सरदार हरजिंदर सिंह, सिख कॉक्स कमेटी दे सरदार जुगराज सिंह, यादविंदर सिंह अते इक्तिदार चीमा ने भी इस मते नूं पेश करवाउण विच अहम भूमिका निभाई है। इन्हां आगूआं ने दस्सिआ कि मते पेश कीते गए विच हाउस नूं सिखां बारे जानकारी दित्ती गई। इस विच कहा गया कि सिख भाईचारा भारत दे पंजाब प्रांत नाल संबंधित है अते इस कौम ने 100 साल तों वध समां पहलां अमेरिका विच प्रवास करना शुरू कीता सी अते इस कौम ने अमेरिका दे विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिख कौम वल्लों विसाख महीने दे पहले दिन विसाखी मनाई जांदी है, जो कि आम तौर ते 14 अप्रैल नूं हुंदी है। इस दिन सन 1699 विच सिखां दे 10वें गुरु वल्लों जुलम नाल लड़न लई सिख पंथ दी स्थापना कीती गई सी। अमेरिका लई सिख कौम वल्लों पाए गए सदीवी योगदान दा सन्मान करन लई इह दिन ढुकवां गिणिया गया। इस लई सरबसम्मति नाल प्रतिनिधि सभा वल्लों अमेरिका दे लोकां नूं प्रेरित करन लई सिख भाईचारे द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका दा सन्मान करन लई राष्ट्रीय सिख दिवस मनाउण दा समर्थन कीता गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत प्रशांत रणनीति विच सहयोग लई 1.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी दा प्रस्ताव पेश कीता। इस दे नाल ही रणनीतिक तौर ते महत्वपूर्ण खेतर च चीन दे हमलावर रवैये दा मुकाबला करन लई 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर दा एक होर प्रस्ताव पेश कीता गया। अमेरिका, भारत अते कई विश्व शक्तियां इस खेतर विच चीन दी वधदियां फौजी गतिविधियां दे मद्देनज़र एक आजाद अते खुशहाल इंडो पैसिफिक खेतर नूं यकीनी बनाउण लई जोर दे रहियां ने। इंडो पैसिफिक विच संयुक्त राज अमेरिका अपनी भूमिका नूं मजबूत कर रहा अते नवे कूटनीतिक रक्षा अते सुरक्षा, नाजुक अते उभर रही टैक्नोलॉजी सप्लाई लड़ी अते जलवायु अते ग्लोबल हैल्थ इनिशिएटिव समेत लंबे समय ते सहयोगी अते भाईवाला नाल अपने सहयोग दा विस्तार कर रहा। इस दे नाल ही साडे यूरोपी अते इंडो पैसिफिक भाईवाला दरमियान मजबूत संबंधां दा भी समर्थन कीता जा रहा। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने चीन नाल रणनीतिक मुकाबले नूं तरजीह दित्ती है। अमेरिका दी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मंगलवार नूं कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक दा माण मत्ता मैंबर है अते इस खेतर दे देशां नाल ओह स्थाई संबंधां दा आनंद माणदा है। हैरिस ने अमेरिका दे दौरे ते आए सिंगापुर दे प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग नाल सांझी पत्रकार सम्मेलन विच कहा कि अमेरिका इंडो पैसिफिक दा माण मत्ता मैंबर है अते उस खेतर दे देशां अते सिंगापुर नाल साडे संबंध स्थाई ने। इह अजिहा रिश्ता है जिस नूं असीं सांझे सिधांतां समेत अते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੂੰਗ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ
पिछले साल अगस्त विच सिंगापुर का दौरा किया। लूंग ने कहा कि अमेरिका ने करीब 8 साल तो एशियाई प्रशांत खेतर विच महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभाई है। सिंगापुर ने लगातार शब्दों और कामों राही इस खेतर विच अमेरिका की मजबूत मौजूदगी की लगातार समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि दोवां देशों के नेड़ले आर्थिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका सिंगापुर मुक्त व्यापार समझौते 2004 विच दस्तखत किए गए लगभग 20 साल पहले किसी एशियाई देश नाल अमेरिका का यह पहला FTA सी। रूस ते यूक्रेन विचाले पिछले 35 दिनों तो जंग जारी है। इस दे नाल ही रूस ते यूक्रेन विचाले जंग नूं रोकण लई गलबात चल रही है। इस दौरान अमेरिका ने रूस विच रह रहे अपने नागरिकां नूं वड्डी चेतावनी दित्ती है। अमेरिका ने कहा है कि रूस उसनूं हिरासत विच लै सकदा है। रूस ते यूक्रेन विचाले जंग खत्म होण दे संकेत हन। दोवां देशां विचाले कल तुर्की विच गलबात होई। रूस ने अपनी फौज घट करन दा संकेत दित्ते हन। तुर्की दे इस्तबाल च जदों रूस ने यूक्रेन दे प्रतिनिधि सामू सामने बैठे तां माहौल गर्म हो गया। दोवें देशों ने बैठक नूं लैके कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, हाथ भी नहीं मिलाया, पर कई घंटियां दी सोच विचार तों बाद सामने आए नतीजिआं नाल दुनिया ने सुख दा साह लिया। जंग दे मैदान तों गलबात दी मेज़ ते आई यूक्रेन ने रूस नूं प्रस्ताव दित्ता। यूक्रेन दे इस प्रस्ताव ते रूस वल्लों वी सकारात्मक पहल कीती गई। गलबात दौरान रूस दे उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फॉर्मन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव ते चेरनहाइव दी दिशा च फौजी गतिविधियां च कटौती करनगे। इस तों बाद ही कीव तों रूसी फौज की वापसी की खबर भी आई। रूस ते यूक्रेन विचाले हुई गलबात विच दो लोक मुख विचोले दे रूप विच सामने आए। पहला तुर्की दे राष्ट्रपति रेसेप ताइप एरदोगन अते दूजे रूसी अरबपति यूरोप दे मशहूर फुटबॉल खिडारी क्लब चेल्सी दे मालक रोमन अब्रामोविच। रूस ते यूक्रेन दे प्रतिनिधां ने मंगलवार नूं तुर्की दे इस्तांबुल विच गलबात कीती। इह पहली वार है जदों अजिही गलबात दे सकारात्मक संकेत मिले ने। इक पासे जेलेंसकी ने पूर्वी रूस विच रियायतां देण लई सहमति दित्ती है अते दूजे पासे रूस ने राजधानी कीव दे आले दुआले फौजी कारवाइयां विच कटौती करन दा दावा कीता। मन्निया जा रहा है कि जेलेंसकी अते पुतिन दी जल्दी ही सिद्धी मुलाकात हो सकती है। यूक्रेन दे इक वार्ताकार ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंसकी अते उन्हां दे रूसी हमरुतबा व्लादिमीर पुतिन विचकार जल्दी ही मुलाकात हो सकती है। रूसी वफद ने इस्तांबुल विच यूक्रेनियां नाल गलबात दे पहले दौर नूं वी सकारात्मक अते सार्थक करार दित्ता। दस दईए कि गलबात दे कई दौर असफल रहण तों बाद दोवें धिरां जंग नूं रोकण लई किसे ना किसे नतीजे ते सहमत हो गईआं ने। रूस दे उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फॉर्मन ने मंगलवार नूं कहा कि मास्को ने गलबात दे विचकार आपसी विश्वास नूं हुलारा देण लई कीव अते चेरनहाइव दे नेड़े फौजी कारवाइयां नूं बुनियादी तौर ते कटौती करन दा फैसला कीता है। यूक्रेन दे दक्षण पूर्वी शहर माइकोलाइव विच खेतरी प्रशासन दी इक इमारत ते रूसी बलों द्वारा किए गए हवाई हमले विच घट तो घट 12 लोगों की मौत हो गई अते 33 होर जख्मी हो गए। यूक्रेन दे गृह मंत्रालय दी प्रेस सेवा ने जानकारी दित्ती। समाचार एजेंसी शिनुआ दी रिपोर्ट मुताबक मंत्रालय ने मंगलवार नूं दस्सिया कि स्थानक समय अनुसार सवेरे 8:45 ते हुए हवाई हमले ने 9 मंजिला इमारत दे केंद्रीय हिस्से नूं तबाह कर दिता। मंत्रालय मुताबक हमले तो बाद मलबे चों 18 लोगों नूं बचाया गया। मंत्रालय ने कहा कि खोज अते बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी रेगुलेटरां ने मंगलवार नूं 50 साल तो ज़्यादा उम्र के लोगों लई करोना का एक होर बूस्टर खुराक नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस तों कमजोर लोगों नूं वाधू सुरक्षा प्रदान करन दी दिशा विच चुक्या गया कदम मन्निया जा रहा है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला उन्हां लोकां लई फाइजर जां मॉडर्ना टीके दी चौथी खुराक दी आग्या दिंदा है। FTA ने हुण तक सिर्फ 12 साल तां उस तों ज़्यादा उम्र दे लोकां लई चौथी खुराक नूं मंजूरी दित्ती सी। एजेंसी ने कहा कि अत संवेदनशील समूह नूं पंजवीं खुराक दे रूप विच इक वाधू बूस्टर भी दित्ती जा सकती है। कोरोना दे ओमिक्रॉन वैरियंट दे मामले सर्दियां च वधण तों बाद घट हो गए ने। 2 टीके अते 1 बूस्टर खुराक अजे भी गंभीर बीमारी अते मौत विरुद्ध मजबूत सुरक्षा प्रदान करती है। फाइजर ने FTA तो 65 साल अते इस तों ज़्यादा उम्र दे लोकां लई टीके दी चौथी खुराक दी मंजूरी देण नूं कहा सी। भारत ने यूक्रेन दे युद्ध प्रभावित खेतरां नूं बिना किसी रुकावट दे मनुखी सहायता प्रदान करन ते जोर दिता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दी बैठक विच एक बार फिर यह मुद्दा उठाया है। भारत रूस ते यूक्रेन विचाले चल रही जंग विच नागरिकां दी सुरक्षा दा मुद्दा लगातार उठाउंदा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विच भारत दे स्थाई प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत मौजूदा स्थिति नूं लै के बहुत चिंतित है जो विगड़दी जा रही है। असीं यूक्रेन च हथियारबंद संघर्ष वाले खेतरां तक मुफ्त मानवतावादी पहुंच दी साडी मंग नूं दोहरांदे हां। त्रिमूर्ति ने कहा
कि यूक्रेन विच प्रभावित आबादी दीआं मानवतावादी लोड़ां नूं पूरा करन दी फौरी लोड़ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र ते इस दीआं एजेंसियां जिवें कि ओका ते WPF दीआं पहलकदमियां ने चल रहे जतनां नूं मजबूत कीता है। असीं EU देशां दे उन्हां फैसलियां नूं वी ध्यान विच रख रहे हाँ जो यूक्रेन विच मानवतावादी कैरियरां दे आवाजाई दी आग्या देण लई सहमत होए ने। त्रिमूर्ति ने उम्मीद जाहिर कीती है कि अंतरराष्ट्रीय भाईचारा यूक्रेन दे लोकां दीआं मानवतावादी लोड़ां प्रति हां पक्की हुंगारा भरेगा। स्वदेशी हल्के लड़ाकू जहाज तेजस नूं होर शक्तिशाली बनाउण लई हुण भारतीय हवाई सेना उन्हां अमेरिकी वारफेयर बंब किटां जॉइंट डायरेक्ट एक्ट म्यूनिशन नाल लैस करेगी। इस नाल तेजस दुश्मन ते टिकाणियां ते सही निशाना लगा सकेगा। तेजस नूं मिलेगी बढ़त। सरकारी सूत्रां ने दस्सिया है कि हाल ही विच हवाई सेना ने JDAM लई एक समझौते ते हस्ताक्षर किए ने। इस नाल हवाई तो जमीनी हमले विच वरते जाण वाले बंब 80 किलोमीटर की दूरी तक भी पूरी शुद्धता नाल निशाने नूं निशाना बना सकणगे। इस कड़े विच तेजस फ्लीट नूं सब तो पहलां JDAM नाल लैस किया जा रहा है। पाकिस्तान स्थित गुरुधामां दी यात्रा लई साल विच 4 दी बजाए 7 वार भारतीय सिख यात्रू जथियां नूं पाकिस्तान आउण दी मंजूरी देण वारी पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधानमंत्री इमरान खान ते संबंधित मंत्रालय नूं पत्र लिख के अपील कीती है। लैंदे पंजाब दी सूबाई असैंबली विच घट गिणती मामलों दे पार्लियामेंटी सकत्तर MPA महेंद्रपाल सिंह ने फोन ते गल करदिआं दस्सिआ है कि उम्मीद जताई जांदी है कि जल्दी ही पाकिस्तान सरकार वल्लों इस संबंधी फैसला लिया जाएगा। इस बारे PSGPC दे प्रधान अमीर नाल गलबात करन ते उन्होंने दस्सिआ कि भारत पाकिस्तान विच होए दुवल्ले समझौते दे तहत हर साल भारतीय जथे विसाखी श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी दिहाड़े शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी बरसी मौके पाकिस्तान आ रहे सन। जबकि हुण गुरुद्वारा कमेटी दे प्रधान दे संबोधन मंत्रालय नूं पत्र लिख के अपील कीती है कि प्रोटोकॉल यात्रु जथियां दी सूची विच लाहौर जां हर वरे 9 अक्टूबर नूं मनाए जांदे गुरु रामदास जी दे प्रकाश पुरब 22 सितंबर नूं गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब विच श्री गुरु नानक देव जी दे ज्योति जोत दिहाड़े अते 21 फरवरी नूं श्री ननकाणा साहिब विच मनाए जांदे श्री ननकाणा साहिब दिहाड़े मौके भी भारतीय सिख संगत दे जथियां नूं पाकिस्तान आउण दी मंजूरी दित्ती जावे। उन्होंने कहा कि इस बारे भारत ते पाकिस्तान सरकार वल्लों सांझे तौर ते फैसला लिया जाणा है। बीते दिन कैनेडा दे शहर ब्रैम्पटन विच इक घर विच अग लगण नाल इको परिवार दे 5 जीआं पति पत्नी अते उन्हां दे 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई सी। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि सवेरे 2 बजे तो पहला कैनेडी रोड अते सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट खेतर विच शूटर आवन्यू दे नेड़े कोनोस्टोगा ड्राइव ते एक कार विच अग लगण दी सूचना मिली सी। सूचना मिलण ते पुलिस अते फायर ब्रिगेड दे कर्मचारी मौके ते पहुंचे अते उन्हां नूं घर विचों 5 लोकां दीआं लाशां बरामद होईआं। मृतकां दी पछाण नज़ीर अली अते रेवेन अली उडिया अते उन्हां दे बच्चा लैला अली उडिया जैडन अली उडिया अते आलिया अली वजों हुई है जिन्हां दी उम्र 7-8 अते 10 साल दे करीब सी। अमेरिकी संघी अधिकारियों ने भारतीय मूल के 7 लोगों से $10 तो वध का गैर कानूनी लाभ कमाने के दोष लगाए ने। इन्हां ते दोष है कि इन्होंने कंपनी के भेत एक दूजे नाल सांझे करके धोखा किया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमिशन ने कहा कि हरि प्रसाद सूरे लोकेश लुगाडू और छोटू प्रभु तेज पुलगाम दोस्त ने ते ओ सैन फ्रांसिस्को स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग संचार कंपनी टीवीलियो विच सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। शिकायत विच कहा गया है कि सूरे ने कंपनी दे स्टॉक ते वेरवे अपने करीबी दोस्त नाल सांझे किते जिसने टीवीलियो दे स्टॉक विच निवेश करके मुनाफा कमाया। इसे तरह लुगाडू ने अपने नाल रह रहे अपने दोस्तां नूं भी शेयर बाजार बारे जानकारी दित्ती। लुगाडू ने अपने करीबी दोस्त नूं कंपनी दे शेयरां बारे अंदरूनी जानकारी दित्ती। पुलगाम ने अपने भरा चेतन प्रभ पुलगाम नूं कंपनी दे स्टॉक विच निवेश करन दी सलाह दित्ती। सारे 7 मुलजम कैलिफोर्निया दे वसनीक। एक भारतीय अमेरिकी अखां दे माहिर डॉक्टर अमित गोयल नूं सेहत संभाल धोखाधड़ी योजना चलाउण ते कोविड नाल प्रभावित छोटे कारोबारियों लई धोखे नाल सरकारी कर्जा लैण दे मामले विच 8 साल कैद दी सज़ा सुनाई गई है। सज़ा दा ऐलान न्यूयॉर्क दे दक्षिणी जिले दे US अटारनी जिमियान विलजियम ने कीता। प्राप्त वेरवे अनुसार डॉक्टर ने सेहत संभाल धोखाधड़ी योजना तहत लखां डॉलरां दे फर्जी बिल पेश कीते ते कोविड महामारी तो प्रभावित छोटे कारोबारियों की मदद लई 2 सरकारी ग्रंटेड कर्जे लए। US डिस्ट्रिक्ट जज कैथी सीबल ने एक बयान विच कहा है कि यह दसण दी लोड़ नहीं है
कि यह मामला कितना अणउचित है। यह मामला सिरे दे लालच दे भुख नूं दर्शाउंदा है। एनआरआई मामले मंत्री पंजाब कुलदीप सिंह तालीवाल ने दस्या कि विदेश विच बसते पंजाबियों दी शिकायतों के हल लई सूबे के सारे जिलों में नोडल अफसर लगाए जाएंगे जो निजी तौर पर एनआरआईज़ की सहूलत लई प्रशासन नाल तालमेल करेंगे। प्रवासी भारतीय मामले विभाग के अधिकारियों ते एनआरआई कमिशन के मैंबरां नाल एक अहम मीटिंग दौरान कैबिनेट मंत्री ने हदायत की कि नोडल अफसरां की तैनाती पूरे पारदर्शी ढंग नाल की जाए अते संबंधित डिप्टी कमिश्नर वालों नियमित तौर पर नोडल अफसरां की कारगुजारी बारे रिव्यू मीटिंग करेंगे। तालिबान ने कहा कि विदेशों में बसते पंजाबियों नाल संबंधित केसां दे सामवध नवेड़े लई अमृतसर पटियाला लुधियाणा ते बठिंडा विखे स्पैशल अदालतां स्थापित कीतियां जाणगियां। उन्होंने कहा कि इस संबंधी कार्रवाई शुरू करन लई विभागीय अधिकारियों नूं हदायत की जा चुकी है अते जल्द तो जल्द इस संबंधी जमीनी पद्धर ते कार्रवाई शुरू करवा दित्ती जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दे नाल ही वख-वख खेतरां च नामणा खट्टण वाले एनआरआईज़ दा पंजाब सरकार वल्लों सन्मान भी कीता जाएगा। जिक्रयोग है कि पार्लियामेंट विच कॉमनवेल्थ डिबेट दौरान स्कॉटलैंड के कोर्ट ब्रिज क्रिस्टन अते बेल्सटल तो स्कॉटिश नैशनल पार्टी के पार्लियामेंट मैंबर स्टीवन बॉनर ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज अधीन बस्तीवाद के परदे पिछे गैर ब्रिटिश लोगों नाल जिथे दुरव्यवहार किया जाता रहा है उत्थे हर तरह के शोषण दीआं हद्दां पार हुंदीआं रहीआं। उन्होंने विशेष तौर पर श्री अमृतसर साहिब विखे 1919 होए जलियांवाला बाग के समूहिक कतलेआम बारे बरतानवी पार्लीमेंट में रस्मी माफ़ी मंगे जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक रोस प्रदर्शन कर रहे निहत्थे मर्दा औरतों के बच्चों गोलियों नाल भुन देना बेहद करूर कार्रवाई सी। 100 साल वधेरे समा बीतण के बावजूद ब्रिटिश सरकार कोलों इस अणमनुखी वितारे खिलाफ हमदर्दी के बोल नहीं सरे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपील की है कि ब्रिटिश साम्राज दौरान बेकसूर लोगों के टाहे जुल्मों के पछतावे वजों रस्मी माफ़ी मांग के जिम्मेवारी का सबूत दिता जाए। एमपी स्टीवन बोनर वालों इस मुद्दे को उबारन ब्रिटेन बसते पंजाबी भाईचारे के लोगों लिए बहुत अहमियत रखता है। जिक्रयोग है कि ब्रिटिश साम्राज दौरान पंजाबी बोलते लोगों के टाहे जुल्मों की माफ़ी मंगने लिए मुहिम वख-वख धिरां वालों चलाई जा रही हैं। इसे मुद्दे नाल संबंधित दस्तखती मुहिम पंजाबी भाषा चेतना बोर्ड यूके वल भी विधी हुई है जिस तहत ऐप राही अपने इलाके के मैंबर पार्लीमेंट नूं ईमेल किए जाने का प्रबंध है। ईमेल विच मैंबर पार्लीमेंट नूं बेनती की गई है कि ब्रिटिश संसद विच माफ़ी की मांग नूं लोगों की आवाज़ बन के पहुँचावे। इस संबंधी पंजाबी भाषा चेतना बोर्ड के डायरैक्टर हरमीत सिंह पकना ने कहा कि स्कॉटलैंड की धरती तो एमपी स्टीवन बोनर के रूप में उठी आवाज़ समूह पंजाबियों की आवाज़ है। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन के मुलाजमान नूं केंद्र दे सर्विस रूल विच लैण लई नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। ये 1 अप्रैल तो लागू होणगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कल चंडीगढ़ विच पहलां तो चले आ रहे पंजाब सर्विस रूल्स की बजाय केंद्रीय सर्विस रूल्स लागू करन दा ऐलान किया है। इस संबंधी अज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन के सारे मुलाजमान ते लागू होणगे। केंद्र सरकार का यह पंजाब के हक्कां उपर एक होर डाका है अते पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के उल्ट फैसला है। इस तो पहला भी इस तरह भाखड़ा डैम संबंधी पहले नियम नूं रद्द करके डैम संबंधी सारे भारत विचों कितों भी मैंबर लैण दा ऐलान किया गया सी। इह सन हुण तक दीआं खबरां। मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आ गया। होर खबरां दे लई साडा यूट्यूब चैनल पंजाब मेल यूएसए टीवी जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।